हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है, एक मिनट, आजकल एक चीज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है तो मैं भी वैसी ट्रेंडी बन जाता हूँ। ये मैं हूँ, ये हमारा शो है और ये भारत एक मौज हो रही है और मौज बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ इंडिया में अब टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और गर्मी इस कदर बढ़ेगी कि आपको कमांडो ट्रेनिंग दे के छोड़ेगी। और ऐसी कमांडो ट्रेनिंग में होता क्या है कि लोगों को गुस्से का जो पारा है ना, थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ा रहता है। और जैसे जैसे गुस्से का पारा हिंदुस्तानियों को ऊपर चढ़ता है ना, इस बात की गारंटी है जरूरत से ज़्यादा मौज दिखने को मिलने वाली है। इसलिए गर्मियों के एपिसोड अच्छे लगते हैं मेरे को। तो आइए देखते हैं इस बार का भारत एक मौज। दोस्तों, सुधीर चौधरी के बारे में मेरा जो ओपिनियन है आप वो जानते ही हैं। आज मैं उस ओपिनियन के लिए माफ़ी चाहता हूं। मैंने बहुत उपहास उड़ाया सुधीर चौधरी का, उनको एक जर्नलिस्ट समझ के। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया सुधीर चौधरी जो है एक लाइन पकड़े हुए हैं। उस एक लाइन से वो ना इधर को होते हैं ना उधर को होते हैं, और वो लाइन क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सबको पता है क्या लाइन है। सुधीर चौधरी पत्रकार नहीं है, इसलिए पत्रकार के रूप में उन्हें जज नहीं करा जाना चाहिए। ये गलती मैंने करी और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये गलती आप मत करना। अब आप पूछोगे पत्रकार क्यों नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक तो हर खबर बताने के लिए वो इस तरह से आते हैं, बहुत ही वो जो महाभारत में जो कृष्ण भगवान का रोल जिसने प्ले किया था नीतीश भारद्वाज की तरह मासूम शक्ल लेके आके ऐसे बैठते हैं कि जैसे सुबह चाय के साथ अंडा भी नहीं खाते, खाली टोस्ट खाते हैं, और वो आके बैठ के और ऐसे बात करते हैं, आज हम आपको बताएंगे, और उसके बाद उनकी कहानी शुरू होती है। तो बेसिकली वो पत्रकार नहीं है। जब आप गर्मियों की छुट्टियों में कभी नानी के घर पे जाते थे तो दोपहर को आपको नानी कभी कभी बुला के बिठा लेती थी और बोलती थी कि आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें परियों की और राक्षसों की कहानी सुनाती हूँ। और फिर आप वो कहानी बड़े ध्यान से सुनते थे, और जब आप छोटे होते थे तो यकीन भी कर लेते थे कि वास्तव में एक परी भी है और एक राक्षस भी है। इसी तरीके से सुधीर चौधरी ने अभी रिसेंटली ऐसे बोला, हम आपको बताते हैं कि भारत के चार स्तंभ क्या हैं। और वो चार स्तंभ क्या थे? राजनीति, क्रिकेट, धर्म और सिनेमा। ये भारत के चार स्तंभ हैं। पहले तो इसी बात को हमें बार बार सुनना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे देश के स्तंभ ये हैं। मतलब अगर आपको स्तंभ को मैन्युफैक्चर ही करना था तो इंटेलेक्ट बोल देते, रैशनैलिटी बोल देते, प्रोग्रेस बोल देते, और जो है डेमोक्रेसी बोल देते। लेकिन आप ये कौन से स्तंभ लेके आ गए हैं? हमने तो ये पढ़ा था अपनी लाइफ में कि भारत के जो चार स्तंभ हैं वो है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और मीडिया। ये नए भारत के नए स्तंभ लेके आ गए। तो वो लकीर नहीं छोड़ते हैं ये, ठीक उन भक्तों की तरह जो खुद अपनी मूर्खता की लकीर नहीं छोड़ते, ना उससे इधर होते हैं ना उससे इधर होते हैं। उनको उसी लकीर पर चलना है, चाहे उनके पास कोई भी फैक्ट दे दें, चाहे उनको कोई डेटा दे दें, लेकिन वो लकीर से अडिग नहीं होते। और इस बात के लिए उनकी तारीफ करी जानी चाहिए, दैट सिंगल माइंडेडनेस इन परस्यूट ऑफ बेवकूफी, वो काबिले तारीफ है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अभी टॉम हॉलैंड नाम का एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है जो क्रिकेट भी खेलता था, तो उसने मोटेरा स्टेडियम के ऊपर एक ट्वीट कर दिया जिससे भक्तजन को ये लगा कि वो बेइज्जती कर रहा है। और वो ट्वीट बड़ा सरकास्टिक था, हो सकता है बेइज्जती कर भी रहा हो, तो मैं उसको दूध का धुला नहीं मान रहा, ना ही उसको मैं माफ कर रहा। मगर अब वो इंग्लैंड में रहता है यार, वो कर दे बेइज्जती, मैं उसका क्या बिगाड़ लूंगा। लेकिन ट्विटर पर भक्त बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने ट्विटर पे शोर मचाना शुरू कर दिया हमेशा की तरह, जो उनकी लकीर के फकीर है ना, कि इसको 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 बॉयकॉट करो। लेकिन बॉयकॉट करो ठीक है, लेकिन सही बंदे को तो कर लो, बॉयकॉट कर दे किसी और टॉम हॉलैंड को जो स्पाइडरमैन फिल्म में है। उस चक्कर में बेचारे स्पाइडरमैन की रेटिंग डाउन चलेगी। अब वो टॉम हॉलैंड इधर वाला वो मजे लेके चले भी गया, और जिसने कुछ करा भी नहीं है उसके बेचारे की पिक्चर की रेटिंग डाउन हो जा रही है। तो यार ठीक से चलो, मैं मानता हूं ये काबिले तारीफ बात है कि आप वो लकीर नहीं छोड़ते हो, लेकिन अगर आपको बॉयकॉट करना है तो सही किस्म के टॉम हॉलैंड को बॉयकॉट करो, तब तो माने भी आपकी बात। ये गलत मत जाओ। ऐसे ही आपने एक्सेल के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बॉयकॉट कर दिया था सिर्फ एक्सेल की जगह। थोड़ा सा दिमाग। दोस्तों सब जानते हैं, आप भी जानते हो कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है सेंचुरी पार कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ना इस बात को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये मजाक कर रहे हैं या सीरियसली ये बिलीव करते हैं। क्योंकि किसी भाई ने लिखा था कि अब शेर पाला है तो खर्चा तो हो गई। शेर कोई पालने की चीज़ है? किसी को देखा है आपने शेर पालते हुए? पहली बात तो डोमेस्टिक एनिमल है ही नहीं, शेर आप पाल ही नहीं सकते हो। कुछ और पाल लो ना, पालने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको पालो जिसमें खर्चा ज़्यादा ना हो। क्यों आपने शेर पालना है? और अगर शेर पाला है तो शेर फिर गोश्त भी खाएगा,
क्योंकि वही उसका खाना है। तो जरा देख के बोला करो कि बोल क्या रहे हो। हाँ, इस तरह के अच्छे अच्छे लॉजिक दो कि जब हम पेट्रोल ज्यादा महंगा खरीदेंगे तो इसका मतलब हम देश के लिए ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी जेब से। ये कितना अच्छा लॉजिक है, इसको सुन के अच्छा लगता है। ये क्या, शेर शेर पाला है तो खर्चा करेंगे, मत पालो शेर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि नए रेगुलेशन आ गए हैं सरकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए, और मतलब एक अच्छी बात है बुरी बात है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि कल परसों ही आया, अभी तो मैंने भी पूरे ठीक से पढ़ा नहीं है। लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने हद ही करके रख दी थी। ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना रहे थे जिसमें गालियां ही गालियां भरी पड़ी हैं कि ये इंडिया की रियलिस्टिक पिक्चर है। और कुछ भी यार, आपने देखा कभी हिंदुस्तान में किसी को गाली देते हुए? कोई देता ही नहीं यहाँ पे गाली, इतना संस्कारी मुल्क है। ये कुछ भी बनाए जा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। भैया, हमारे हमें बताया जा चुका है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करो। जैसे वो आपके घर में, लोअर मिडिल क्लास घरों में लोग काजू और बादाम के डब्बे ले आते हैं ना, तो आप सारे एक दिन में नहीं खा जाते उसको। धीरे धीरे एक दिन दो काजू खा लिए, फिर अगले दिन एक बादाम खा लिया, फिर एक अखरोट खा लिया, ताकि वो डब्बा ज़्यादा चले। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे यूज़ करो, ये थोड़ी कि सबके सब एक साथ ही सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक साथ यूज़ कर दी। कुछ भी बनाए जा रहे हो उसके चक्कर में अब ये हो गया कि भैया अब हमारे जैसे लोग जो कभी मुंह से गाली नहीं निकालते हैं, वो उनके ऊपर भी पाबंदी लग गई कि हम नहीं बोल सकते। तो मैं खुद लिखी थी मैंने एक स्क्रिप्ट यार, इमरजेंसी के टाइम की, जो इमरजेंसी के टाइम से शुरू होके और 1984 तक आ गई थी करके, उसमें एक तानाशाह की कहानी थी, जो उस वक्त आपको पता है हमारे यहाँ कौन तानाशाह थी और उसने प्रजा के साथ क्या किया था, प्रजा को क्या क्या भोगना पड़ा था। तो वो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी, कोई 250-300 पन्ने की वो स्क्रिप्ट थी। और अब मैं अब उस किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को दे भी नहीं सकता, क्योंकि इनकी गालियों की वजह से हमारी शरीफ स्क्रिप्ट भी मरेगी। अब मेरी स्क्रिप्ट जो है ना, श्रिंक होके 250 पन्ने से होके 10 वर्ड की रह गई है। अब क्योंकि बनेगी तो है नहीं, इसलिए मैं आपको सुना देता हूँ वो 10 वर्ड्स क्या हैं। बीप 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 दी एंड। तो दोस्तों, ये था इस बार का भारत एक मौज। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन मौजों का आनंद उठाया होगा, लेकिन मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, क्योंकि मेरी जबान ना मेरी कंट्रोल में नहीं रहती है और अब रेगुलेशन आ गए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना मुंह ही बंद कर लेता हूँ जब तक कि मुझे कोरोनिल नहीं मिल जाता। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज। पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। अरे